हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग रिव्यू करूंगा मैं बोट का ये जो हेडफोन है, डिटेल्स जो आपने टाइटल में देख लिया है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, लोग 50 रुपये का हो, 100, 150, 1000 जो भी हेडफोन खरीदते हैं उसका एक ही पर्पज़ होता है, रिसेप्शन, दैट इज़ साउंड कमिंग टू योर ईयर्स, एंड ट्रांसमिशन, दैट इज साउंड गोइंग आउट ऑफ योर फोन। ये दोनों का क्वालिटी अच्छा है। तो आज मैं प्राइमरीली ये दो चीज़, उसके अलावा भी पूरा बोट का जो ये हेडफोन है इसका रिव्यू बताऊंगा। लेकिन याद रखिए, जो ऑडियो क्वालिटी ट्रांसमिट और रिसीव होता है ओवर अ डायरेक्ट फोन कॉल, वो डिपेंड करता है उस नेटवर्क प्रोवाइडर के ऊपर, उसका नेटवर्क रेंज कैसा है। एट द सेम टाइम द ऑडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन क्वालिटी, जब आप कोई ऐप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप एंड दूसरे जो भी है, तो उसका जो ऑडियो और ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है आइदर डेटा कनेक्शन के ऊपर या फिर आपके घर के वाईफाई के ऊपर, ठीक है। इसका जो अभी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं एक पियानिस्ट हूँ, तो इसका जो भी रिकॉर्डिंग करूँगा मैं वो डायरेक्ट होगा, तो 100% ऑडियो क्लियर आएगा, ठीक है। तो अभी जो आप ये वाला ऑडियो सुन रहे हैं मेरा, वो एक लेपल माइक्रोफोन से है, ठीक है। अब मैं इस लेपल माइक्रोफोन को निकालता हूँ, निकाल कर डायरेक्ट जो मेरा आवाज़ है वो आपको सुनाता हूँ, ठीक है। निकाल दिया है लेपल माइक्रोफोन, ये जो आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये है डायरेक्ट फोन का जो माइक्रोफोन है उसका आवाज़। आइए अब मैं आपको एक छोटा सा म्यूजिक बजा के सुनाता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं लगाऊंगा इस हेडफोन को, इसका जो माइक है इसका आवाज कैसा आता है वो एट द एंड ऑफ द वीडियो जब मैं सुनूंगा तब मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने फोन से, ये फोन से मेरा कनेक्ट हो गया है। अब इसको मैं अपने कान में लगा देता हूँ। अब ये जो माइक है, ये माइक और ये स्पीकर इतना डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 2 हाथ का, ठीक है। सुनते हैं, ठीक है। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं अभी, ये इस माइक का ऑडियो क्वालिटी आपको दिखाएगा। हेलो, चेक। अब मैं इस हेडफोन को स्पीकर के पास रखता हूँ, ठीक है। हेडफोन के माइक को, ये माइक है, इसको मैंने एग्जैक्ट स्पीकर के ऊपर प्लेस कर दिया है। तो अभी जो आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं वो यहाँ से है माइक में, मेरा ऑलमोस्ट समझिए 1 फीट का डिफरेंस है। तो दिस इज माय वॉइस विद द माइक्रोफोन केप्ट लिटिल अवे फ्रॉम द माउथ। अब ये माइक जो है स्पीकर के पास है, तो इसका ऑडियो क्वालिटी देखते हैं साउंड का। सस्टेन आया कि नहीं वो बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑडियो क्वालिटी। फिर से बोल रहा हूँ, ओवर द फोन जब आप किसी से बात करते हैं उस वक्त जो इसका ऑडियो रिसेप्शन है और ट्रांसमिशन है वो डिपेंड करेगा आइदर आपके सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पर या आपके डेटा कनेक्शन या वाईफाई के रेंज पर। ओके,
अब इसके टेक्निकल डिटेल्स में आते हैं। 360 डिग्री का व्यू दिया है इसको, रोटेशन कैसे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जॉइंट है ये, दिस इज द फर्स्ट जॉइंट, ठीक है ऐसे, ओके। सेकेंड जॉइंट यहाँ पर है, इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ लूँ ठीक से तो अभी आप देखेंगे ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और इसका जो थर्ड जॉइंट है वो ये है, इससे ये ऐसे ऐसे होगा। तो इन तीन जॉइंट्स के मदद से इसको 360 डिग्री रोटेशन का जो फैसिलिटी है वो दिया गया है। इधर कुशन है, ठीक है, सॉफ्ट कुशन है, बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम आराम से कान के अंदर एक पतला सा सिंथेटिक कपड़ा दिया है ताकि डस्ट अंदर ना जाए। इसके पीछे भी एक जाली है, ठीक है। यहाँ से अगर हाई वॉल्यूम है, हमेशा जनरली लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस कान में लगाने का तो दर्द होता है, तो ऑफन पीपल लिसन टू इट लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पर जाली दिया है ताकि थोड़ा सा आवाज़ बाहर आए, ओके। यहाँ पर बोट का इम्प्रिंट किया हुआ है, BOAT, ये एक इंच एक्सटेंडेबल इधर से है, एक इंच एक्सटेंडेबल इधर से है, तो ये इतना बड़ा बन जाता है, ओके। मेरे लिए थोड़ा लूज होता है, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। ये हेडबैंड है, हेडबैंड में कुशन है सॉफ्ट, ओके। तो ईयर पीस बहुत ही सॉफ्ट है और हेडबैंड अच्छा खासा है, आपको वैसे भी सर पे बाल रहते हैं, जिनको नहीं है उनको भी चलेगा, ठीक है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस हेडफोन को डिस्कनेक्ट करता हूं मोबाइल से और वापस अपना लेपल माइक्रोफोन लगा देता हूं। ओके, इसका जो जैक है ये अपना नॉर्मल 3.5 mm 4-pin जैक है, ठीक है, 4-terminal जैक है। जैक के जस्ट नीचे एक स्प्रिंग दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे जो होते हैं इनमें जैक नहीं होता, स्प्रिंग नहीं होता है, तो यहाँ से ये कट जाता है, राइट। तो वो अनड्यू डैमेज को बचाने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा आइडिया से उन्होंने एक स्प्रिंग दिया है ताकि अगर ये फोल्ड हो भी जाए तो एक कटे ना। इस वायर को एक स्ट्रेंथ मिलता है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का मेटल जैक है, ओके। तो ये हो गया आपका बोट का साउंड क्वालिटी चेक जो वहाँ तक जाएगा, फ़ोन तक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पियानो में लगाकर इसका ये चेक करेंगे, ठीक है। इसको अगर आपको यूज़ करना है बड़े पियानो के साथ तो एक 6.35 mm मेल टू 3.5 mm फीमेल का ऑडियो कन्वर्टर आता है, ये सीक्रो का है। इसका जो लिंक है ये ऊपर दिया हुआ है, इसका रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये डाल दिया, ओके। इसको अभी जो आउटपुट है फोन्स का उसमें लगा दिया, ओके। नाउ अब जो इसका आउटपुट है वो यहाँ से आएगा, ओके। मैं क्या करूँगा, ये जो माउथ पीस है मेरा लेपल माइक्रोफोन का, वो मैं आपको पहले इधर पकड़ के सुनाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर रखने
कि इसलिए मैं सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, भोजन गाने को बहुत देर तक अगर हुआ तो वो लोग ऐसा पकड़ के भी सुनते हैं, तो यहाँ से कैसा आवाज़ आता है आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर से कैसा आवाज़ आता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करूँगा मैं, ये जो हेडफोन के अंदर जो कप है, इस कप के अंदर मैं मेरे लेपल माइक को रख देता हूँ, थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, ओके। अब इसको मैं बजाता हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। ये लेपल माइक अंदर है ताकि मैं दो हाथ से बजा पाऊँ। ओके, मुझे यहाँ तक आवाज़ आ रहा था एक्चुअली, ये जो एक्सटर्नल साइड है वहाँ से। इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है आपने देख लिया अभी। इसके तकलीफ़ के बारे में बताता हूँ, ये बहुत हिलता डुलता है, तो कभी ऐसा हो जाता है कभी ऐसा हो जाता है। तो ओवरऑल आपको इसका जो जॉइंट्स है, ये 360 डिग्री व्यू देने के लिए जो इन्होंने जॉइंटिंग का यूज़ किया है तीन, वो धीरे धीरे क्या होता है ओवर एंड ऑल यूज़ करते 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 थोड़ा लूज़ हो जाता है, तो कभी ऐसा हो जाता है तो आपको कभी ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो प्रॉब्लम, ये दोनों भी मेरे पर्सनल प्रॉब्लम है, इसका प्रोडक्ट का नहीं, ठीक है। मैनी पीपल कैन मैनेज दिस टाइप ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरा जो है इसका जो ये देखिए इसका जो ये हेड पीस का टेंशन है, ये बेसिकली जो है इस तरह से दबा हुआ है, तो जब आप इसको खींचेंगे ना तो एक टेंशन क्रिएट होता है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है और किसी का है नहीं है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, ठीक है। इसका टेंशन थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप इसको लगाते हैं तो कुछ देर बाद, मे बी 10-15 मिनट के बाद, ये जो आपके आईज़ का जो ये लीफ है, ये जहाँ पर भी प्रेशर है इन स्पाइट ऑफ द कुशन, ये देखिए ये घूम गया इधर, है ना, तो वो धीरे धीरे पेन करता है। जिसका हेड चौड़ा है उसके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मेरी वाइफ और डॉटर इसको बहुत आराम से यूज़ करते हैं बिकॉज उनका जो फेस का वेट है वो थोड़ा कम है। तो दिस इज़ द कम्प्लीट थिंग। इसका जो टेक्निकल डिटेल्स है वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मैं हर बार टेक्निकल डिटेल्स बताऊँगा नहीं, उसको मैं कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। इसके बारे में अगर और कुछ आपको पूछना है तो मुझे बताइए, लेकिन उससे पहले ये बड़ा पियानो है इसके लिए ये जैक लगा। छोटा जो पियानो है मेरे पास SA76, उसके अंदर ये जो है ये बिना जैक के घुस जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ये मेरा छोटा पियानो है, सॉरी, ओके। तो इसके अंदर ये जो जैक है ये डायरेक्टली आउटपुट में कनेक्ट हो जाता है। फिलहाल इसके अंदर बैटरी रखा हुआ है मैंने, ओके। तो इसको मैं वॉल्यूम बढ़ा के, अभी इसको मैं कॉलर माइक के इधर रख के आपको थोड़ा आवाज सुना देता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका जो बोट का हेडफोन है, ओके, उसका कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू। ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है क्योंकि इसको मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कितना दिन हो गया कि ये मैला भी हो गया थोड़ा सा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।